इस कहानी में तीन लड़के अपने ही टीचर का रेप करते हैं। बाद में टीचर को भी मजा आने लगता है और वो भी उन्हें जमकर खुदाई करने का मौका देती है। कहानी की शुरुआत में हम लड़कों के हाई स्कूल को देखते हैं। इस स्कूल में एक ईवा नाम की टीचर होती है और पूरे स्कूल में वो एक ही फीमेल टीचर थी। ईवा दिखने में जवान और सेक्सी थी, जिसकी वजह से सभी लड़के उसे परेशान करते थे। ईवा कभी कभी लड़कों को नजरअंदाज कर देती थी और कभी उन पर गुस्सा भी करती थी। इसी स्कूल में एक मियो नाम का टीचर भी पढ़ाता था और इन दोनों का चक्कर पिछले एक साल से चल रहा था। आज ईवा लड़कों से कुछ ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो मियो से चाहती थी कि मियो लड़कों को डांटे, लेकिन मियो ऐसा करने से मना कर देता है। ईवा गुस्से में अपने घर जाने लगती है और वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। ईवा का घर छोटा ही था और वो इस घर में अकेली रहती थी। घर आकर वो फ्रेश हो रही थी, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और फोन पर एक लड़का उससे कहता है, तो मुझे अपने बदन की कीमत बताओ। ईवा को ऐसे फोन हमेशा आते रहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मियो का चक्कर एक मीना नाम की लड़की से भी चल रहा था। मीना कहती है, हमें मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। तब मियो कहता है, तुम मेरे घर पर आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं ईवा भी मियो के घर की तरफ जाने लगती है। वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वो जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचती है, मियो दरवाजा खोलता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। कुछ ही टाइम के बाद मियो के दरवाजे की घंटी फिर से बजने लगती है। मियो जैसे ही दरवाजा खोलता है, तब मीना घर के अंदर आ जाती है और वो ईवा को वहां देखकर शॉक हो जाती है। वो समझ रही थी मियो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करेगा, लेकिन ईवा और मियो को साथ में देखकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। मियो उसे मनाने की कोशिश भी नहीं करता। वो साफ बोल देता है, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मीना रोते हुए वापस चली जाती है। मियो की तरह ईवा भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने बस अपने बदन की आग ठंडी करने के लिए मियो से रिश्ता बनाकर रखा था। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं ईवा अपनी फ्रेंड सूजी को कॉल करके कहती है, स्कूल में 2 दिनों की छुट्टी है और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इसके बाद वो सूजी के घर पहुँच जाती है। वो दोनों साथ में ही बड़ी हुई थी और बचपन की दोस्त थी। दोनों चाय पी रही थी, तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। ईवा बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सूजी का हस्बैंड रिन बगीचे में काम कर रहा था। ईवा की आंखों में उसे देखकर एक अलग तरह की चमक आ गई थी। इसके बाद ये तीनों मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद रिन सूजी को लेकर कमरे में चला जाता है। ईवा को अलग कमरे में सोना था, लेकिन सूजी की चीखें सुनकर उसकी भी आंख भड़क चुकी थी। 2 दिन के बाद ईवा वापस अपने स्कूल जा रही थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। रिन उसे छोड़ने के लिए जाता है, तभी वो रास्ते में ईवा से पूछता है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। ईवा उससे कहती है, मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मेरे बदन में आग लगती है तो कोई ना कोई उसे ठंडा कर देता है। और वो रिन से कहती है, आज भी मेरे बदन में आग लगी हुई है। रिन उसकी बात समझ जाता है और वो अपनी गाड़ी को एक होटल में रोकता है। इसके बाद एक कमरा बुक करके ईवा की आग ठंडी करता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं मीना मियो से बात करने की कोशिश करती है। मियो से अपने साथ चलने के लिए कहता है। मीना उसकी बात मान जाती है। मीना उससे बहुत प्यार करती थी और वो चाह कर भी उसे बोल नहीं पा रही थी। इसके बाद वो दोनों घर पर आते हैं। तभी मीना मियो से कहती है, तुम ईवा के साथ कोई भी रिश्ता रखो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मियो उसकी बात सुनकर पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन फिर उसकी बजाने लगता है। दूसरी तरफ ईवा अपने घर आए हुए लेटर्स को पढ़ रही थी। लेटर पढ़ते हुए अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी करके अपने बिस्तर पर लेट जाती है और स्कूल से 3 दिन की छुट्टी ले लेती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ईवा मियो के घर पर जाती है, जिससे मियो उसकी बदन की आग ठंडी कर सके। लेकिन घर पर मीना को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। ईवा के पूछने पर मियो उसे बताता है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि मीना मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं जल्द ही उससे शादी भी करने वाला हूँ। मियो की बात सुनकर ईवा उठकर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे अपनी ही क्लास के 3 लड़के मिलते हैं। वो तीनों लड़के ईवा की तबीयत के बारे में पूछने आए थे, क्योंकि पूरे स्कूल को पता चल चुका था ईवा की तबीयत खराब है। इसके बाद ईवा उन्हें अपने घर के अंदर बुलाती है। वो तीनों ही लड़के शर्मा रहे थे, इसलिए उन्हें अच्छा फील कराने के लिए ईवा स्मोकिंग करने लगती है, ताकि वो लड़के फ्री हो सके। इसके बाद वो तीनों भी स्मोकिंग करने लगते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ईवा लड़कों से कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए, मुझे थोड़ा आराम भी करना है। लेकिन वो तीनों लड़के उसकी बात नहीं सुनते। ईवा इन तीनों लड़कों को अच्छा समझ रही थी, लेकिन उन तीनों लड़कों के इरादे देखकर ईवा डरने लगती है। अगर ईवा चाहती तो पास में रखा हुआ चाकू उठाकर उन्हें भगा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद तीनों लड़के जबरदस्ती ईवा को पकड़कर बेड पर डाल देते हैं और एक एक करके उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद तीनों लड़के रोने लगते हैं। तीनों लड़के ईवा से कहते हैं, हमें माफ कर दो, तुम्हें देखकर हमारा खड़ा हो गया था और हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इसके बाद ईवा उन तीनों से वहां से जाने के लिए कहती है।
और साथ में उनसे ये भी कहती है, तुम तीनों ने मेरे साथ जो भी किया ये बात किसी को भी मत बताना। ईवा की बात सुनकर तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो खुद को साफ करने लगती है। कुछ टाइम के बाद सूजी का पति रिन वहाँ पर आता है। कुछ टाइम पहले ही रिन ने ईवा की खुदाई की थी, अब वो उसका दीवाना बन चुका था और सूजी से बहाना बनाकर उसके घर पर मिलने के लिए आया था। वो दोनों पूरी रात मिलकर एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। अगले दिन रिन ईवा के साथ मार्केट में घूम रहा था और रिन के पास काफी सारे पैसे थे, इसलिए वो ईवा को बहुत सारी शॉपिंग कराता है। इसके बाद वो दोनों सूजी को देखते हैं। ईवा उसे अपने घर लेकर आती है और फिर ये तीनों लोग खाना खाते हैं। इसके बाद सूजी ईवा से कहती है, मुझे पता है कल रात से रिन तुम्हारे पास है और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं जल्दी ही रिन को डायवोर्स दे दूंगी। उसे ज्यादा देखकर रिन उसे रोकने लगता है और उसे समझाने लगता है, मेरे और ईवा के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तभी ईवा कहती है, तुम्हें रिन को डायवोर्स नहीं देना चाहिए, रिन एक अच्छा आदमी है और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवा की बातें सुनकर रिन शॉक हो जाता है। एक्चुअल में ईवा शादी नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अपने बदन की प्यास बुझा रही थी। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं, अब ईवा अपने बदन की आग को लड़कों से ही ठंडा करवा रही थी और ये काम उसने उन्हीं तीन लड़कों को सौंप रखा था जिन्होंने उस दिन उसकी इज्जत लूटी थी। पता नहीं है ईवा की आग कब ठंडी होगी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।